भाई ने हमारी बाइक ठीक करी है। नाम क्या था तुम्हारा? टोलों को देख कर ना मेरा जी फूक रहा है, क्योंकि इस वाले टोल पर ही, इस तरह के टोल पर ही ना मेरी बाइक खराब हुई, इसका इंजन सीज हुआ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लवर, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो भैया इंट्रो तो हमने तगड़ा स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ना जुकाम हो गया, थोड़ा तबीयत डाउन सी हो गई है, और अपनी जो बाइक है वो ठीक हो गई है। और हमने जो होटल लिया था ना, जहाँ पर बाइक ठीक हो रही है, वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पे यहाँ होटल मिला है, ताजमहल के पास में। तो फटाफट ना यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं उस होटल पर, वो मैकेनिक पर बाइक उठाते हैं, फिर आगे देखते हैं वो कितनी ठीक हुई है, क्या दिक्कत है, क्या रह गई, कितने पैसे लेता है, सब देखेंगे। और बाकी मैकेनिक के पास पहुंचने के बाद देखते हैं क्या सामान उसमें डला है, और उसने पुराना ही ठीक कर दिया है या कुछ नया डाला है, कितने रुपए लग रहे हैं, वो सब डिटेल मैं आपको वहीं पहुंचने के बाद बताऊंगा। हालांकि इस समय ना हालत बहुत ज़्यादा डाउन हुई पड़ी है, इसलिए ना मैं पूरा पैक हूँ इसके अंदर, क्योंकि ठंड लग रही है मेरे को। बिक्की भाई की बाइक से जा रहा हूँ, भैया ने अपनी गाड़ी वगैरह रेडी कर ली है। जो भैया दिल्ली से आए थे ना हमारे लिए पास रुके 2 दिन, वो भी यहीं पर रहे और वो भी परेशान हुए हमारे चक्कर में, बट कोई नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भैया आ गए तो हमारी हिम्मत बनी रही, हम भी रुके रहे यहाँ, नहीं तो यार हम मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, एक इरिटेशन सी हो जाती है। ऊपर से जो मेरा GoPro है ना, GoPro का बटन काम करना बंद कर गया है, जो मेन बटन होता है ना उसने काम करना बंद कर दिया है, साइड वाला काम कर रहा है। तो चलो यार चलते हैं, यार पहले ना बाइक देख लेते हैं, क्योंकि बाइक ने मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन दे दी है। तो जी चलते हैं, मैं हूँ अभी बिक्की भाई वाली बाइक पे, जो कि है डोमिनार, और इससे हम जाने वाले हैं, क्योंकि ना एक बंदे को तो बैठ के जाना पड़ेगा यहाँ से, होटल काफ़ी दूर, वो मैकेनिक की शॉप जो यहाँ से काफ़ी दूर है, 5 से 7 किलोमीटर है। तो वो सब अपने अपने ना इंट्रो शूट कर रहे हैं, जैसे कि टचिंग माइल्स ये अपना इंट्रो शूट कर रहा है, तो हमें निकलना होगा यहाँ से। भाई साहब ये जाम में जितनी बार भी हम इधर से निकले ना, ये परमानेंट यहाँ जाम मिला ही मिला है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ, ये पूरी की पूरी मार्केट ना जब राम जन्मभूमि वाला उत्सव हुआ था तब से सजी हुई है, मतलब इस पर लाइटिंग वगैरह, जय श्री राम के झंडे, भगवा रंग हर जगह लगा हुआ है। और यहाँ पर ना भैया सबसे ज़्यादा ना आपको खस्ता खचौड़ी मिलेगी, खस्ता खचौड़ी सुबह सुबह लोग ना खस्ता खचौड़ी पर टूट जाते हैं और अंधा खाते हैं, अंधा जितनी खाई जाती है। और यहाँ पे मैंने अधिकतर जो देखा ना, कोई ट्रैफिक रूल का नियम का पालन कोई नहीं करता, कोई भी कहीं भी किसी समय भी कहीं को भी घुस जाता है, कोई किसी को कुछ ही बात से मतलब नहीं, राइट लाइट हो रही है या नहीं हो रही है, वह घुसने से मतलब है उन्हें। देखो भाई क्या सजा रखी है यार मार्केट, ओ हो ऐसी तो मैंने कभी अपने यहाँ गाजियाबाद दिल्ली में भी नहीं देखी मार्केट सजी हुई यार। तो जी लगभग बाइक तो हो गई है, लेकिन ना अभी इसकी ना वो होती है ना RPM वो हाई हो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी इंजन रमा होगा तब हो जाएंगे अपने अपसेट, बाकी लगा हुआ भाई कुछ हो जाएगा। और जिसमें खर्च आया है, क्या क्या इसमें डला है, वो सब मैं आपको ना हाईवे पर बताऊंगा बाइक पर बैठने के बाद में। तो जी चलो चलने का समय आ गया है, और ये हमारे नीरज भैया शॉप के ओनर है, और इस भाई ने हमारी बाइक ठीक करी है। नाम क्या था तुम्हारा? अमित। अमित, और छोटू तेरा नाम? सुमित। और ये भी भाई यहीं खड़े हैं, हैं राम सेन, सारे राम भक्ति हैं। तो जी फाइनली अब 2 दिन के बाद ना हम निकले हैं आगरा से, और ये आगरा में मारुति इनक्लेव जगह थी और बाइकर वैली शॉप थी, यहाँ से हम निकले हैं। और यहाँ की भी कहानी बताऊंगा, बाइक कैसे ठीक हुई, कितने रुपए लग रहे थे, अब कितने लगे हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको एक्सप्रेस वे पर पहुँच करके देता हूँ, क्योंकि अभी ना हमारे जो साथ के हैं वो एक्सप्रेस वे पहुँच चुके हैं, बस हम ही रह गए हैं दोनों बंदे, क्योंकि बिक्की भाई मेरे साथ आ गए थे मेरी बाइक उठवाने के लिए। तो अब यहाँ से चलते हैं एक्सप्रेस वे। चलिए हम पहुँच गए भैया ताज एक्सप्रेस वे पर, और इस तरह के टोलों को देख कर ना मेरा जी फूक रहा है, क्योंकि इस वाले टोल पर ही, इस तरह के टोल पर ही ना मेरी बाइक ख़राब हुई, इसका इंजन सीज हुआ, मैंने पर्ची देने के लिए बाइक रोकी और उसके बाद ये स्टार्ट ही नहीं हुई। और अभी बिक्की भाई रह गए पीछे, वो स्लिप कटवा रहे हैं। ये 2 टोल ऐसे देखे मैंने अभी तक अपने जीवन में, जिन पे ना बाइकों का भी टोल कटता है यार, 200 कुछ रुपए का टोल कटा है यहाँ भी। और इसको ना उसने बोला है कि आप 50 से ऊपर मत भगाना, 50 तक आप ले करके जाना उसके, क्योंकि ना इंजन अभी रमा होगा है ना, तो रनिंग में आ जाएगा तब आप कितनी भगा लेना, लेकिन अभी मत भगाना ऐसे 50-60 किलोमीटर तक, और 800 किलोमीटर पर ना इसका इंजन ऑयल चेंज करा देना, ये बोला उसने। पहले का ठीक है भाई, अगर सही चली तो ठीक है, नहीं तो ये चेंज तो होनी है, चेंज नहीं होगी तो दूसरी तो मैं ले ही लूँगा यार, क्योंकि मैं परेशान आ गया हूँ इससे। तो जी ये खड़ी तनिष भाई की बाइक और रोहित भाई की बाइक, दोनों की
कहीं कहीं होंगे, मंडरा रहे होंगे आपस में कहीं यहीं आस पास ही। जी हम आ चुके हैं ताज एक्सप्रेस वे पर, और यहाँ के बाद में बहुत देर से भूख लग रही है, खाना वगैरह मंगा लिया। खाने में हमने मंगाया राजमा चावल और तबीयत ने हालत ख़राब कर रखी है। बाकी भाई जो मकैनिक है ना, उसने हमें जो कल बताया था ना, वो बताया था 16,000 रुपये का खर्चा। फिर इसमें भी एक कहानी, उसने ना जब हमने बातचीत कराई तो उसने फिर कितने रुपए लिए मुझसे, 6,400 रुपये। लेकिन भाई लिए क्यों वो भी मैं आपको बताऊँगा। 16,000 से सीधे 6,400 कैसे हुए मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल ना यार खाना खा लेता हूँ, है ना, खाना खाने के बाद मैं आपसे बातें करते हैं। खाना वगैरह खा लिया है भाई साहब, राजमा चावल मस्त हो रहे थे एकदम। हालांकि जुकाम में चावल खा लेने चाहिए, लेकिन यार खा लिए बाद में ध्यान में आई। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी, समस्या पता क्या थी भाई। जब मैं बाइक लेके गया तो सबसे पहले हुआ ये, जब मैं पिछले हाईवे पे था लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे पर, तो प्रॉब्लम बाइक में आई थी कि चलते चलते बंद हो गई। मैंने जब टोल देने के लिए मैं रुका, फिर वो स्टार्ट नहीं हुई। मैंने बुलवाया फिर एक वहीं से, एक लोकल मैकेनिक जो एक्सप्रेस वे पर रहते हैं ना, उन्हें बुलवाया। और उस मैकेनिक ने पता नहीं क्या करा इसमें, क्या नहीं करा उसने, ऑयल पॉइल ये डाल वो डाल, उसने ना मतलब बाइक को जो वाल होते ना, इसके वाल होते हेड में इसके, तो वाल का क्या करा उसने ना, किक वगैरह सब फंसा दी। तो उसने धक्का लगवाया हमसे ना, गियर डलवा डलवा करके धक्का लगवाता रहा, और वो वाल सब टेढ़े हो गए। हालांकि इसमें ऑयल वगैरह पूरा था, लेकिन उसने क्या किया, गियर में डलवाने के बाद बाइक को धक्के लगवा के ना उसके वाल टेढ़े करवा दिए। जैसे भी जो भी हुआ होगा, किक फंस गई उससे, जब किक फंस गई तो उन्होंने गियर धक्के लगवाए गियर डलवा के। तो फिर उसके बाद में जब नहीं हुई उस पर, तो वो छोड़ के चला गया। फिर हमने सुबह सुबह बुलाया दूसरा मैकेनिक जिनके पास से बाइक ठीक होके आई है। अब उन्होंने बताया इसका हेड ख़राब है, नया डलेगा। फिर उन्होंने बताया कि भैया इसका पिस्टन भी डलेगा, इसकी क्रैंक भी डलेगी, इसके वाल भी डलेंगे, इसकी क्लच प्लेट भी डलेगी। कहने का मतलब है सब कुछ इसका होगा, पूरा इंजन नया होगा, और टोटल खर्चा आएगा आपका 16,000 रुपये के करीब। मैंने कहा ठीक है जी कर दो, कोई बात नहीं, बस ठीक होनी चाहिए बाइक अच्छे से। अब उन्होंने क्या किया, उसी को ना हेड को उन्होंने रिपेयर करा दिया, और भैया क्रैंक को भी उन्होंने रिपेयर कर दिया, और जो सिलेंडर किट थी, सिलेंडर किट भी ख़राब बताई थी उन्होंने, जो सिलेंडर किट थी वो उन्हें मिली नहीं, तो उन्होंने ना सिलेंडर किट को भी ठीक कर दिया। जैसे भी किया होगा उसके हिसाब से उन्होंने वो फिर पिस्टन बनवा दिया जैसे भी होगा, तो वो भी ख़राब हो गई, ठीक है, मतलब वो भी ठीक करा दी। तो अब इन चीज़ों को ठीक कराने के चक्कर में, देखो उन्होंने मुझसे नए के रेट बताए थे 16,000 रुपये, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया पुरानी ही ठीक करा दी। तो फिर भी वो बता रहे कि मैं 14,000 रुपये बैठेंगे, भैया 2,000 रुपये कम होंगे, जो कि तुम्हारी वो है ना क्रैंक इसमें रिपेयर हुई है, तो ये सिर्फ 2,000 रुपये कम हो जाएंगे, इसमें और कुछ नहीं होगा। मगर अच्छा, फिर मैंने अपने जो मेरा मिस्त्री जिस बाइक को ठीक करता है उससे पूछा मैं, भाई ऐसे ऐसे बात है, तो उसने बताया कि भैया बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा। यूँ कह रहा मेरी बात करो, मैं देखता हूँ वो कैसे पैसे एक्स्ट्रा ले लेंगे। मैं भी तो पूछूं कि कितने रुपए किस किस चीज़ में लगे। फिर मैंने उन्हें लाइन पे लेके बात कराई आपस में दोनों की। तो जब उन्होंने उसे बात की ना उनसे कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उनने बताया भैया तुमने पुरानी डाली सब चीज़, हाँ कोई नई तो नहीं डाली, नुके नहीं, तो फिर किस बात के 16,000 रुपये। उन्होंने कह रहा चलो वो ठीक हो जाएंगे, 8,000 हो जाएंगे। एकदम ही 14,000 से 8,000 रुपये आ गई बात। अब 8,000 पे बात आई, 8,000 के बाद में भैया फिर दोबारा उसका सीन हुआ। जब मतलब उन्होंने ठीक ठाक करी, तो उन्होंने पर्चा वर्चा बनाया, उन्होंने सब कुछ बताया। बताने के बाद में भैया कह सुन के उनसे मतलब रिक्वेस्ट करी, उन्होंने फिर हमसे क्या काम किया, फिर मैंने कह सुन के ना उन्होंने 6,920 रुपये का बिल बनाया, जिसमें से मैं सिर्फ उन्हें उन्होंने बोला कि मैंने कहा कुछ डिस्काउंट करो ये वो करते करते उन्होंने 6,500 रुपये आए, मैं 6,400 रुपये उन्हें दे करके आ गया हूँ। और अभी बाइक ना बोला है कि आप 50 किलोमीटर के हिसाब से ही चलाना, 50 से ऊपर मत लेके जाना स्पीड, बाकी नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि मुझे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, वो ना ये अभी आपके सामने, अभी आपने शायद ना देखा हो, जब रोक के मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो ये मतलब सेल्फ नहीं ले रही है, बहुत दिक्कत कर रही है। तो हो सकता है अभी भी प्रॉब्लम रहे, तो मैं अपने मैकेनिक के पास ही लेकर के जाऊँगा इसे, वो देख करके बताएगा एक्चुअल प्रॉब्लम इसमें क्या है। तो ये सारी की सारी कहानी थी पूरी की पूरी, इसमें ये मैटर हुआ था।
अब ना भाई ऊपर से तबीयत खराब होगी तो दिमाग खराब है, 3 दिन तो मेरे इसी में खराब हो गए, 10,000 रुपये मेरे लग गए सिर्फ और सिर्फ रहने खाने में ही। तो बाकी ना मेरे साथ में जो सारे बंदे हैं वो मेरे पीछे पीछे आ ही रहे हैं धीरे धीरे सारे के सारे, तो सब के सब साथ ही जाएंगे। देखो ये होता है यार अपनापन, अपने जो साथ में होने जो सारे के सारे बंदे ऐसे होने चाहिए। इन्होंने क्या किया है, जितने भी बंदे हैं ना सारे के सारे साथ हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि मैं भाई मैं तो जा रहा हूँ मैं लेट हो जाऊँगा मेरे को दिक्कत हो जाएगी, कोई भी छोड़ के नहीं गया। इवन जो हमारे भैया है ना दिल्ली वाले जो हमसे मतलब अयोध्या में मिले थे जिनकी XUV 300 है, वो दिल्ली से जब मेरी बाइक ख़राब हो गई दिल्ली से 2-2.5 घंटे में सीधे आगरा पहुँच गए, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ टेंशन मत लेना किसी चीज़ की। तो हमारा थोड़ा और आत्मविश्वास बढ़ गया जिस वजह से, और भैया हमारे साथ रहे 2-3 दिन, अब आज सुबह सुबह वो गए हैं यहाँ से, क्योंकि हम तो बाइक से 40-50 की स्पीड में आएंगे, जिस वजह से हमने उन्होंने बोला भैया आप चले जाओ आप क्यों लेट हो रहे हो, आपने तो आप देखो अपना काम वाम जो भी है, तो भैया आप चले गए। अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं यहाँ से, अभी लगभग 170 किलोमीटर के आसपास है जो भी जगह है वहाँ पहुँचते फिर देखते क्या होता है। बाकी तो अभी जा ही रहे हैं, रास्ते में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हालांकि मुझे लग रहा है कि इसके इंजन में अभी कुछ ना कुछ तो कलेश है। आप सब ना मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं बाइक लूँ तो लूँ कौन सी, सजेस्ट करो कि भैया आप ये वाली बाइक ले लो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिया है आपने तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कौन सी बाइक ली जाए। तो जी ये देखो ये खड़ी अपनी धन्नो, और मैं वेट कर रहा हूँ बिक्की भाई का, रोहित भाई का। रोहित भाई आ गए, बिक्की भाई पीछे आ रहे होंगे क्योंकि वो शायद यहाँ से कटेंगे, जेवर के लिए रास्ता ही जाता है, यहीं से जाएंगे ना वो पलवल ये जेवर पलवल यही होगा मेरे ख्याल में। तुम इधर से जाओगे ना? हाँ तभी मैं रुक गया यहाँ, मैंने कहा यहीं से जाएंगे शायद। चलो ठीक है आराम से पहुँचना, हम तो आराम से जा रहे हैं, तुम तेज जाओगे, हम तो आराम से जा सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। तो भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना उसमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ना ये शादी के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। 100 बात की 1 बात विक्की भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे लिए रुके रहे यार 3-4 दिन। अरे नहीं रुकता यार हर कोई, ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई सोचता है कि मैं क्यों अपनी शादी कैंसिल कर दी। बंदे ना जो लड़की देखने के लिए आ रही थी ना, या लड़की को देखने जाते, आंटियों ने लाइन लगा रखी है लड़कियों की इनके पास, लेकिन इन्होंने सब कैंसिल कर दिया। आऊंगा जब ये बाइक ठीक हो गया ना मेरे साथ आ जाएगी। तो अगेन थैंक यू, ठीक है। तो भैया चलो चलते हैं अब यहाँ से, विक्की भाई को बाय बाय बोल ही दिया है, विक्की भाई अब इस वाले रूट से निकलेंगे, हम इसे निकलेंगे। और अभी ना यहाँ से जो परी चौक रह गया वो 52 किलोमीटर रह गया है। तो जी विक्की भाई और तनिष भाई दोनों के दोनों साथ चले गए हैं, क्योंकि विक्की भाई और तनिष भाई ना दोनों के दोनों ही ना रहते हैं फरीदाबाद के अंदर, एक फरीदाबाद में मतलब विक्की भाई पहले रहते हैं और वो रहता है तनिष कालंदी कुंज के आसपास। दोनों उस रूट से निकल गए, रोहित भाई मैं इस रूट से जा रहे हैं, और आज रोहित भाई या तो मेरे घर रुकेंगे या अमित भैया के घर जाएंगे हम, क्योंकि ना सामान सारे का सारा अमित भैया के यहाँ रखा, हमने गाड़ी में रख के ना भेज दिया था जो रोहित भाई का सामान था। रात के 7:15 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ भैया परी चौक। तो जी फाइनली पहुँच गए अपने घर, सामान उतारते हैं फटाफट, चाय वाय पीते हैं, ठंड हो रही बहुत। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।